तो मध्य प्रदेश में चुनावों की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इस बीच बड़ा दौरा और पहला दौरा कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मध्य प्रदेश में होने वाला है। काला पीपल राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं। विस्तार से आपको बताते हैं कि क्या है कांग्रेस और राहुल गांधी की मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस लगी हुई है। कांग्रेस इस भरोसे में है, या यूं कहें कि कांग्रेस जो है वो अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त दिखाई दे रही है। वहीं इस बीच राहुल गांधी का पहला दौरा मध्य प्रदेश में होने वाला है। इससे पहले हमने देखा कि प्रियंका गांधी के दौरे जो हैं वो मध्य प्रदेश में हुए, लेकिन अब मध्य प्रदेश की राजनीति में राहुल गांधी की एंट्री होने वाली है। आपको बता दें कि राहुल गांधी शनिवार को सुबह 9 बजे काला पीपल विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे। काला पीपल जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां से कांग्रेस के ही कुणाल चौधरी विधायक हैं, जीतू पटवारी जो है उन्होंने इस पूरे दौरे की तैयारियां जो है वो जीतू पटवारी देख रहे हैं। बता दें कि यहां पर राहुल गांधी एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अभी अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा तो नहीं की है, लेकिन जन आक्रोश यात्रा का अभियान शुरू कर दिया है। वहीं राहुल गांधी शनिवार को मध्य प्रदेश आ रहे हैं। उनकी पहली सभा 30 सितंबर को शाजापुर के काला पीपल में होने जा रही है। बता दें कि कांग्रेस ने राहुल गांधी के कार्यक्रम को मेगा शो बनाने की तैयारी कर ली है। पार्टी ने शाजापुर और आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को बुलाया है और भीड़ जुटाने का टारगेट रखा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी शाजापुर जिले के काला पीपल के पोलाय कला में जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां पर राहुल गांधी कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में भी शामिल होंगे। बता दें दर्शकों को कि इससे पहले मध्य प्रदेश की राजनीति में प्रियंका गांधी दिखाई दे रही थी, लेकिन अब राहुल गांधी की एंट्री होने वाली है। ऐसे में देखना होगा कि राहुल गांधी का आना कितना कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होता है। इससे पहले बता दें कि 2022 में जो भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, वो भी मालवा अंचल से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, और ऐसे में अब राहुल गांधी एक बार फिर मालवा की जमीन से ही शुरुआत कर रहे हैं मध्य प्रदेश के विधानसभा के रण को। तो बिल्कुल देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी का आना कांग्रेस के लिए कितना जीवनदायक साबित होता है, कितना फायदा इसका आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिलता है। खबर कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।